हेलो टू ऑल माई स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योस्ट फेवरेट एजुकेशन चैनल मैगनेट बीन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ एनेसो बायोलॉजी का टॉपिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर थ्री है हाउ डू ऑर्गैनिज्म रिप्रोड्यूस सारे टॉपिक्स जो हैं पिछले हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से कवर करे थे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था और इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एनजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए दिस इज योर बायोलॉजी टीचर पलक रख्या फ्रॉम मैग्नेट ब्रीन्स जहाँ आपको मिलती है हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टिल ट्वेल्व सो स्टार्ट अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात क्यों है कुछ बच्चे सोचते हैं मैम इसका टॉपिक हमेशा ऐसा क्यों लगते हो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्योंकि जो ऑर्गन आपको दिखेंगे ना यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं ना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो आपको दिखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में ही तभी ये वर्ड जब भी आता है तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ही समझ रहे हो वही प्लांट्स जिसमें फ्लावर आता है उसमें देखा जाएगा द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरीड विद इन द फ्लावर्स एंड द सीड्स आर इन्क्लोज इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म अब ये नाम ज़रा देखो एंजियोस्पर्म्स पिछले साल भी देखा था क्लास नाइन्थ में बोलो मैम नहीं सॉरी हमें तो जो है दो दिन पहली बात पड़ी हुई याद नहीं रहती और आप कहना चाह रहे हैं पिछले साल की बात तो कोई बात नहीं मैं याद दिलाती हूँ किंगडम प्लांटे में हमने देखे थे पांच टाइप के फाइलम अब उन पांचों फाइलम के जिस जिस को नाम याद हो क्विकली मुझे कहाँ बताओगे कमेंट सेक्शन में ये वो सेक्शन है जहाँ मेरी नज़र बिल्कुल रहती है मैं देख पाऊंगी जल्दी से क्विकली पीछे नहीं जाके कोई चीटिंग नहीं करेगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में पाँचों फाइलम के नाम बताओ अब उसी में एक फाइलम आता है एनजियोस्पम angiosperm. एनजियोस्पम्स वो टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स यानी क्या वही प्लांट जिनमें सीड तो होगा ही बढ़िया बढ़िया फ्रूट भी दिखेंगे बढ़िया बढ़िया जो सुंदर फूल दिखते हैं ना आपको बाहर वो किसके होते हैं एंजियोस्पर्म्स के सो so, प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरीड विद इन द फ्लावर्स यानी ये जो सेक्शुअल ऑर्गन्स की हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ फ्लावर्स के अंदर एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स द फ्लावरिंग प्लांट्स आर रीप्रोड्यूसड बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड यानी जो हमने बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स देखे थे उनमें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कहीं जो है हमने देखा था स्पोर फॉर्मेशन हो रहे थे और कहीं अलग अलग प्रोसेसेस चल रही थी फ्रैगमेंटेशन जो है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में हो रहा था देखा था हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ओवर हेयर फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों इतने एडवांस है क्योंकि ये दिखाते हैं हमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और राइट This means that the two, two sexes, male and female, are involved in reproduction in flowering plants. Like human beings, plants also have male and female sex organs. They are different in different humans, yani different from humans. किससे different hote hain Human beings se alag hain yani kya ऐसा बात सही है कि male and female जैसे हम में होता है, sex organs उनमें भी अलग हैं। But it's not like जैसा female का ovary है, वैसा उनमें ovary है। जैसा मेल्स में जो है टेस्टस है वैसे उनमें है वहां से डिफरेंस है लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनमें भी दो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखते हैं द सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट आर इन इट्स फ्लावर्स इन अदर वर्ड्स फ्लावर्स कंटेन द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट तभी तभी इस टाइटल को समझो वी ऑलवेज से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्योंकि फ्लावर में ही जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें देखने को मिलता है

तो नींबू का पेड़ तो हम लगा ही देते हैं लेमन का है ना सीड्स निकाल के जो है बढ़िया गार्डन में लगा के नींबू का पेड़ हम ग्रो करते हैं कैसे उन सीड्स के थ्रू तो ये सब वही फ्रूट्स हैं जिनके सीड्स जो है सो करके प्लांट नया प्लांट बना सकते हैं क्लियर है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द सेम फ्लावर कंटेन्स द मेल ऑर्गन एज वेल एज द फीमेल ऑर्गन क्या कहानी बोली ज्यादातर प्लांट्स में ये बात याद रखना और जब मैं ये बात बोलूं तो ह्यूमन बींग्स का कॉन्सेप्ट मत लेके आना क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जब हम कहते हैं

अरे सलून कहते हैं सैलों कहते हैं बाल बाल कटवाते हैं नाई के वहाँ अरे नाई बोल दूँ चलो तो वहाँ पे ऐसा वर्ड लिखा रहता है ना यूनिसेक्स यूनिसेक्स बार शॉप या यूनिसेक्स सेक्स सैलों तो यूनिसेक्स यानी क्या किसी एक पर्टिकुलर सेक्स का यानी मेल्स का होगा या तो सिर्फ सिर्फ जो है लड़के बाल कटवा सकते हैं या फिर सिर्फ लड़कियाँ तो यूनीक्शुअल मतलब क्या हुआ अलग अलग डिफरेंट मेल एंड फीमेल मेल ध्यान से सुनना अलग अलग से मैं कहना क्या चाह रही हूँ मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफरेंस समझते हो बेटा ऑर्गन और सेल में है ना जैसे एक ऑर्गन है जैसे फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स की जो ओवरी है फीमेल्स की जो ओवरी है वो एक अलग ऑर्गन है और उसके अंदर से जो सेल बन रहा है एग वो अलग चीज है तो बेना से यूनिसेक्शुअल तो मतलब मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफरेंट बॉडीज पे हैं डिफरेंट बॉडीज पे है कहाँ पर है डिफरेंट बॉडीज पे लेकिन बायसेक्शुअल में क्या होगा मेल ये नहीं कह रही हूं कि मेल और फीमेल एक ही है मेरा कहने का मतलब है मेल एंड फीमेल रीप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पे है या तो एक ही प्लांट पर है या एक ही बॉडी पे है आई होप द वर्ड्स आर क्लियर है ना थोड़ा वर्ड्स में डिफरेंस समझा करो ऑर्गन जब मैं कहूँ सेल जब मैं कहूँ तो यहां कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर बायसेक् बायसेक्सुअल यानी क्या ज्यादातर प्लांट्स में एक ही फ्लावर के अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिलेगा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिलेंगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बिल्कुल पूरी कहानी तो उसी की है ओके सो दिस वर्ड याद रखना आ सकता है क्वेश्चन कैसे होते हैं मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स पे यूनिसेक्सुअल या बायसेक्सुअल तो आप बता सकते हो दैट इज हैविंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम प्लांट कह लो एक ही प्लांट में या फिर एक ही फ्लावर में तो भी चलेगा एक ही प्लांट में हो क्योंकि भाई पता है ना तो 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 बाइसेक्शुअल कह सकते हो या फिर सिंपली बाई अभी के लिए कह सकते हो या फिर एक ही फ्लावर के ही अंदर हो इधर ही मेल इधर ही फीमेल तो भी हम बाइसेक्शुअल कह सकते हैं

रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ हायर प्लांट इज दशनलाइजेशन प्लेस न्यूज फॉर द रिपोर्डक्शन सेक्शुअल रिपोर्डक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं ये पॉइंट क्यों पढ़ती हूँ पता है बता सकते देसी भाषा नहीं आती है एट दैट टाइम यू विल फेस सच काइंडर्ड्स इंग्लिश वर्ड्सिफिक वर्ड्स तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रही हूँ नंबर वन वो तो समझो ही होता क्या है बच्चे ज़्यादातर टीचर की लैंग्वेज तो समझ जाते हैं पर क्वेश्चन आते हैं इस लैंग्वेज में तो वहाँ गड़बड़ आ जाते हैं आई वॉन्ट इस दोनों को साथ में लेके चलो वट आई एम सेंग उसे भी समझो एंड वॉट इज रिटर्न ओवर हैर ऐसा नहीं है कि आपको मेरी बात समझ आ रही हो और ये समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि मैं इसे ही एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से आई होप ये वर्ड क्लियर हो फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं अब उन ऑर्गन्स का मेन फंक्शन क्या होता है भाई मेल एंड फीमेल गेमेट बनाना अब इनके भी सिनोनिम्स मैंने लास्ट सेशन में बता दिए थे फिर बता देती हूँ मेल फीमेल गेमेट कह लो मेल फीमेल सेक्स सेल कह लो मेल फीमेल जर्म सेल कह लो ये जो भी वर्ड्स आए दीज ऑल आर द सेम सो डोंट गेट कन्फ्यूज वाई यू सी दीज डिफरेंट वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं आई होप इट्स वेरी क्लियर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन है फ्लावरिंग प्लांट्स अरे फ्लावरिंग प्लांट्स में कॉमन क्योंकि उनमें जब रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उन्हें और कुछ करने की क्या जरूरत है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे कि नहीं आते हैं ऑन दिस साइड मैं आपके लिए हमेशा लेके आती हूँ एक डू यू नो फैक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ऐसे भी तो कोई फ्लावर होंगे जिनमें मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं हो यानी आप ये कहना चाहते हो कि, कि सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में स्ट्रक्चर होते हैं तो आपका अगर एक क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सही हो there are plants there are flowers that lack male and female reproductive organs and in these flowers ko hum kehte hain neuter flowers n e u t e r neuter ya fir hum inhe keh sakte hain non functional flowers bhi very important बहुत important information है neuter flowers neuter flowers और non functional non functional क्यों कहा क्योंकि फ्लावर्स का फंक्शन ही ये मेन मान दिया गया है बिकॉज अभी क्या है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन पे रहते हैं तो इनका मेन काम यही हो गया एंड उन प्लांट्स में जिनमें स्ट्रक्चर्स नहीं हो तो यार उनका क्या काम बस मतलब देख के और चले जाओ उन्हें तो नॉन फंक्शनल या न्यूट्रल फ्लावर्स कहा जाता है अब इसमें दो केस हो सकते हैं या तो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ही नहीं हो या फिर स्ट्रक्चर्स तो प्रेजेंट हो लेकिन नॉन फंक्शनल हो गए हो सो दे विल कम अंडर न्यूट्रल फ्लावर्स आई होप दिस लिटिल इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर टू यू चलिए लेट्स मूव ऑन From all this discussion, we conclude that flowers are for sexual reproduction in plants. A flower makes both male and female gametes needed for sexual reproduction in plants. ये तो बात बिल्कुल सही है अब आ जाओ एक और फैक्ट लेके आई हूँ मैं Do you know यानी पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज एंथोलॉजी क्या कहा जाता है एंथो phenomenology i hope it's very clear it is known as study of flowers okay चलिए, the parts of a flower very important जितने बच्चे आराम कर रहे थे, बिल्कुल sit straight एकदम back straight because now we are going to discuss parts of a flower वही पार्ट जो आप सुन रहे थे इतनी देर से कि कही न, कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है क्वेश्चन आते हैं इससे अच्छे से लेकिन बच्चे जो है ना दो तीन सिनोनिम्स अलग अलग वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हो बिल्कुल अच्छे से अपने नोट्स बनाते जाओ आ जाओ दार्लावर अटैच ऑन द रिसेप्टिकल डरना नहीं बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है देखो सबसे पहले तो इस बात का मतलब समझो एक एक वर्ड ये जो इंग्लिश में एक एक वर्ड आता है इसका मैं मीनिंग समझाऊंगी लाइक like, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ते हो कभी भी कंफ्यूज हो ये वर्ड सुनते हो ना अरे कितने सारे लोग तो कपड़े लेते हैं फ्लोरल डिजाइन वाले फूल पत्ती बने होते हैं, बोलते हो कि नहीं फ्लोरल डिजाइन तब तो फ्लोरल याद आ जाता है यहां फ्लोरल देख के घबरा जाते हो फ्लोरल अपनडेजेस यानी क्या फ्लावर के जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी चार मेन पार्ट्स होते हैं उसमें भी चार मेन पार्ट्स होते हैं क्या है इन पार्ट्स के नाम देखो कैलिक्स साइंटिफिक नेम है आप कॉमनली ये नाम सुना होगा सेपल कोरोला साइंटिफिक नेम है कॉमनली पेटल फ्लावर के जो सुंदर सुंदर पेटल होते हैं एंड्रोजियम या स्टेमन ये कौन है बेटा यही जनाब है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइनोजियम जिसे पिस्टल या कार्पल भी कहते हैं और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन चारों के

अब रेसेप्टल में आपको बताती हूँ क्या होता है आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इट्स बेसिकली जो स्टॉक पे फ्लावर लगा रहता है फूल कभी देखे होंगे फूल वूल किसी को गिफ्ट करते हैं या टीचर्स को देते हैं तो वो फ्लावर जो होता है वो जो फ्लावर होता है वो जिस स्टॉक से लगा रहता है जिस स्टॉक से लगा रहता है पूरा फ्लावर उस पे उस स्टॉक का नाम होता है उस पूरी स्टॉक को हम पेडिसल कहते हैं और ऊपर वाला पार्ट यानी जहां से पूरा फ्लावर स्टार्ट होने वाला है उसे हम कहते हैं रेसेप्टिकल ओके

चलो उससे पहले तो जो है मेरे साथ आओ पीछे कहाँ पे आओगे बेटा पीछे पीछे किधर अरे यहां पे बोर्ड पे आना है नाउ आर सम स्टूडेंट्स आओ आस्क हाउ डू यू पीपल या हाउ डू यू टीचर्स रिमेम्बर डायग्राम स्ट्रक्चर्स बिकॉज हम बार बार बनाते हैं अब यहां मैं क्या करूंगी मैं अपने पेन से अपने हाथ से जो है डायग्राम बनाऊंगी और जितने भी सिंसियर बच्चे होंगे मस्ती कर रहे हो करते रहो वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये डायग्राम साथ में बनाऊ बिकॉज डायग्राम बनाने से बार बार ऐसा नहीं आप डायग्राम देखोगे रोबोट नहीं हो है ना चिट्टी वो रोबोट था देखते ही याद हो गया ए भाई अपन ऐसे नहीं है आप बार बार बनाओगे तो आपके हैंड के मसल्स को भी याद हो जाएगा कि ऐसा डायग्राम जाता है ये स्ट्रक्चर्स हैं ओके सो मेरे साथ बनाओ तो जो है कॉन्सेप्ट आपके भी क्लियर होते जाएंगे क्या बना रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर बना रहे हैं उसमें सबसे पहले कोशिश क्या करो शुरुआत करो सबका अपना अपना स्टाइल है पर मेरे को जो आसान लगता है मैं वैसे बताती हूँ कि सबसे पहले जो है ना बेटा स्टार्ट करो किससे ओवरी से स्टार्ट कर दिया करो ओके फर्स्ट बिगिन द डायग्राम विद विद ओवरी एंड देन यू कैन गो ऑन स्टेमन फिर आप जो क्या बना सकते हो स्टेमन बना दो यहां से ऐसे स्ट्रक्चर्स निकालो एंड यू क्या क्या है स्ट्रक्चर्स की लेबलिंग बिल्कुल करेंगे हम अभी के लिए जितना बोल रही हूँ ऐसे ऐसे बनाते जाओ देखो आपको पता भी चलेगा तरीका कि डायग्राम बनाया कैसे जाता है शुरुआत कैसे की जाती है हाउ टू बिगिन विद द डायग्राम ओके ये हमने बनाया यही पेडंकल है पेडिसल जो पीछे हमने देखा था अब मैं क्या बना देती हूँ सेपल बना देती हूँ ग्रीन कलर के जो बेटा आपको सेपल दिखते हैं प्लांट के साइड में छोटू से वो है एंड देन लेट्स कम टू फ्लावर पिंक कलर से बनाते हैं फ्लावर ठीक है पिंक कलर मुझे बड़ा सुंदर लगता है फ्लावर्स में मैं यूजुअली वही बनाना प्रेफर करती हूँ ओके okay, ये बन गए हमारे फ्लावर के सुंदर सुंदर पेटल ठीक है लग रहा है ये बिल्कुल फ्लावर लग रहा है कैसे नहीं मानोगे इतना सुंदर फ्लावर बनाया है हमने चलिए आ जाइए अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर लेबल करेंगे आई होप क्विकली सबने बना लिया हो ठीक है करूँ मैं लेबल स्टार्ट चलिए लेट्स बिगिन ओवर हेयर ये क्या है ध्यान से देखो एक एक करके मैं बता रही हूँ सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये जो है स्टॉक है बेटा इसे एक अंकल का नाम भी दिया गया है इसे कहते हैं पेडिसल कह लो या पेडंकल <laughs> कौन सा अंकल है ये पेडंकल है ये पूरा स्टॉक है एंड ये जो पार्ट यहाँ से जहां से फ्लावर लग के स्टार्ट होता है दैट इज नोन एज रेसेप्ट क्या कहते हैं इसे आई होप इट्स वेरी क्लियर और अगर ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखना हो ना आप यहाँ भी देख सकते हो यही स्ट्रक्चर मैंने बनाया है लेकिन आप अपने हाथ से बनाओगे तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी ओके आई होप इट्स वेरी क्लियर चलिए रेसेप्टिकल हो गया अब आ जाओ यहां से ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं कैलिक्स या फिर इन्हीं का नाम होता है सेपल दोनों नाम मैंने भी लिखे हैं तो दोनों नाम आप भी लिखेंगे ये जो ग्रीन कलर के होते हैं फ्लावर के नीचे एंड अगर पॉसिबल हो अभी तो अपने गार्डन में जाओ जल्दी से फ्लावर तोड़ना नहीं है उसी फ्लावर को वहीं पे ऑब्जर्व करना ठीक है उसी फ्लावर को वहीं पे ऑब्जर्व करना कि कैसा दिखता है वो ठीक है चलो कैलिक्स हो गई आपके सेपल्स जो आपको दिखेंगे करोला या फिर इसे कह दो पेटल फ्लावर्स के जो ब्यूटिफुल आपको दिखते हैं ना येलो पिंक ये सब क्या है पेटल या कोरोला नाव लेट्स कम टू द मेन हीरो मेन हीरो पे आ जाते हैं कौन है मेन हीरो पार्ट्स हैं अब रिपोर्डक्टिव पार्ट में भी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये आसान है कहानी इसको जो है अपन

हम कहते हैं फिलामेंट अब आ जाओ देखना कहानी में ट्विस्ट इन दोनों को मिला के ही बेटा कहा जाता है स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसका एक और नाम क्या था यहाँ लिख देती हूँ एंड्रोजियम लुक एट द स्पेलिंग एंड्रोजियम आर ओ के बाद ई भी आता है आधे लोग ई खा जाते हैं तो खाना नहीं है, है ना खाना खा लो पर ई मत खाओ ओके लेट्स कम ओवर हेयर अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहीं डिस्कस कर लोगे ना तो जब आगे पढ़ोगे तो आसानी होगी चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इट इज नोन एज अ स्टिग्मा स्टिकी स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा ये बढ़िया एकदम स्टाइल से खड़ा हुआ है ऐसे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है स्टाइल मैं इसको ऐसे ही याद करती हूँ भाई ये स्टाइल से खड़ा रहता है तो स्टाइल फीमेल्स होती है ना स्टाइल बिल्कुल देखो मैं भी यहाँ पे आती हूँ मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं भी एकदम बढ़िया तैयार वैयार होके आती नहीं तो स्टाइल में रहने का भाई तो स्टाइल है तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी क्या है, है।, है, है, है? एग बनेगा अच्छा अब देखो इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है इन तीन स्ट्रक्चर्स को मिला के हम कहते हैं कार्पल पिस्टल तीन नाम है बेटा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइनोजियम अब गाइनोजियम में याद रखना एन ओ के बाद ई है ई खा जाते हैं लोग तो खाना खा लो लेकिन ई को मत खाना ठीक है स्पेलिंग से बिल्कुल भी गायनोजियम की स्पेलिंग ध्यान से देखो एंड्रोजियम गाइनोजियम ये क्या हो गए पार्ट्स ऑफ फ्लावर अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर को पहले अच्छे से इसको रिकॉल रिवाइज कर लो उसके बाद जो है हम आगे आते हैं एक एक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो so बिगिनिंग हम किससे करेंगे थोड़ी इजी वाली चीजों से बिगिन करते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा कैलिक्स और करोला की बात करेंगे पहले सेपल्स एंड पेटल्स

जनरली ग्रीन कलर के होते हैं अब इनका फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन यू हैव टू रिमेंबर मैं बताती जा रही हूँ मैं यहाँ बॉक्स बना लेती हूँ मतलब कैलिक्स या सेपल्स के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ये कैसे होते हैं फंक्शन में प्रोटेक्टिव होते हैं अब मैंने क्या कहा जनरली ग्रीन इन कलर मेरी बातों को सुना करो जनरली कहा अब हो सकता है कहीं कहीं जो है ये ब्राइटली कलर्ड हो ओकेजनली इन सम केसेस बट मोस्टली यू विल फाइंड सेपल्स टू बी ग्रीन इन कलर इनका का, काम क्या होता है प्रोटेक्शन का काम होता है यानी जो फ्लावर है देखो आप इधर आओ देखो ये रेसेप्टिकल पे खड़ा हुआ है पूरा फ्लावर अब सेपल्स का मेनली वर्क क्या होता है तो आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे घर में अगर किसी का प्लांट्स वगैरह लगे हो तो वो देखते होंगे कि फ्लावर जो है एक पहले तो ना ऐसा बंद सा रहता है तो ये बहुत ही सिंपली बता रही हूँ फूल देखते हो कभी यूं ऐसे बंद से रहते हैं और धीरे धीरे उसकी एक एक पेटल जो है निकल के आती है तो बेटा जब फ्लावर बंद से रहते हैं तब कभी ध्यान दिया है उसके जो सेपल होते हैं ना ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर उस पर ऐसे ढके हुए होते हैं लाइक फॉर इंस्टेंस देखो ये एक फ्लावर है है ना ये इसकी पेटल्स हैं ये अभी जो है ना ये बंद है फ्लावर यार ये खुला नहीं है भाई ये बंद वाला फ्लावर है ये फ्लावर बंद है तो क्या होता है यहाँ से ये ऐसे सेपल्स जो है कवर्ड रहते हैं अभी ये क्लोज है ऐसे रहता है फ्लावर फिर एक एक करके जो है ना इसकी पत्तियां बाहर आती है तो इस टाइम पे सेपल का क्या काम होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी वो पेटल्स वैसे ही कितनी सॉफ्ट होती है फ्लॉर कैसे करोगे वो फट जाती है तो उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने करने का का फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन सेपल या फिर कैलिक्स ओके okay? चलिए बहुत ही आसान कहानी थी इसकी सेकेंड लेट्स कम टू करोला जिसे कहते हैं पेटल्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेटल्स इन सभी पेटल्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं करोला पेटल्स आर जनरली लार्ज showy and brightly colored to attract the insect pollinators नेचर को सुंदर बनाते हैं कितना अच्छा काम करते हैं बेटा ये अपने मतलब का काम करते हैं आपको पता भी नहीं है फ्लावर्स के ये जो बहुत ही ब्राइट ब्राइट पेटल दिख रहे हैं ना ऐसा नहीं है कि कुदरत ने हमारे लिए दिया कि बेटा इंसान तुम देखो इनको नहीं ये जो है अपने मतलब के लिए यानी अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्लावर्स जो है इनके इतने ब्राइट कलर्ड होते हैं मतलब ये खुद में कॉम्पिटिशन करते हैं किसका ब्राइट हो क्यों क्योंकि इससे जो है रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ते हैं आप सोचोगे मैम ये कैसी बात हुई बिल्कुल सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो तो गलत बात है सोचो ना कैसी बात हुई इसमें रिप्रोडक्शन कैसे तो थोड़ा ही आगे आओगे ना एक प्रोसेस पढ़ोगे पॉलिनेशन किसी ने सुना भी होगा ये वर्ड पॉलिंस का पोलेंस क्या है भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से जो सेल निकलते हैं मेल गेमेट्स वो हैं अब उन्हें पहुंचना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक तो वो कैसे पहुंचेंगे ऐसे मतलब विंग्स तो नहीं है उनके पास दो तीन मीडियम होते हैं एयर के थ्रू पहुंच सकते हैं एंड दूसरा दूसरे मीडियम होते हैं इंसेक्ट ये जो इंसेक्ट फूलों पे बैठते हैं ना अब इंसेक्ट भी कौन सा फूल चुनता है इंसेक्ट भी चालक है वो भी सुनते हैं कि भाई बहुत ही जो है ना मस्त सा पेटल हो एकदम अच्छा कलर्ड हो अच्छा जो है जूसी पेटल होता है तो उस पर जाके बैठते हैं तो फ्लावर क्या करता है वहां पे आके बैठता है इंसेक्ट और उसको अपने पोलन पकड़ा देता है पकड़ा देता है एज इन कि पोलन जो है स्टिक हो जाते हैं तभी स्टिकी होते हैं नेचर में वो स्टिक हो जाते हैं एंड जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के मान लो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बैठ गया फीमेल तो वहाँ पे पोलन छोड़ देगा रिप्रोडक्शन हो जाएगा और हम ये समझ रहे थे कि ये ब्यूटी ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं वो हमारे लिए हैं ऐसा नहीं है ये जो है अपने रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए हैं तो इधर पे पेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेटल्स यूजुअली आपको बहुत ही लार्ज बड़े बड़े दिखेंगे शोई शोई मतलब क्या एक्सपोज रहेंगे बिल्कुल अच्छे से दिखेंगे कैसे पता चलता है अरे वहाँ वहां पे फूल उगा है इतने सारे फ्लार्स हैं बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो शोई होते हैं दिखते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं क्यों टू तो अट्रैक्ट द इंसेक्ट पॉलीनीथर्स कैलेक्स एंड करोला अब देखो इतना तो समझ गए हो गए इतने तो समझदार हो कि मैम यहाँ पे इन दोनों का कोई भी यूज नहीं है रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट यूज नहीं है ध्यान से सुनना हाँ ठीक है मदद कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट यूज तो नहीं है ना तो इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ऑल दो बेचारे मदद तो कर रहे हैं बट स्टिल मेन काम तो नहीं कर रहे तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इनडायरेक्टली भले ही उसको जो है हेल्प कर रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है सो इफ अ क्वेश्चन अराइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ कहानी बहुत ही आसान है याद रखना चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी मेन स्टोरी है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें हम आते हैं मेल रिपोडक्टिव पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की कहानी बहुत आसान होती है एंड्रोजियम नाम है एंड्रोजियम क्या होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्ला

फोर पॉलन सैक जिनका नाम है माइक्रोस्पोरांजिया अब मेन कहानी जो है ना यहां से स्टार्ट होती है क्या बोला गया सबसे पहले तो एंथर होते हैं वन टू लोब समझते हो लोब एक लोब है ये दूसरा लोब है ये है अपना एंथर यूजअली बाय अब ऐसा नहीं है कि यही हो यूनिलोब्ड भी हो सकते हैं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन यूजअली आपको बायलोब्ड ही एंथर दिखते हैं ठीक है ये बायलोब्ड एंथर है अब सिर्फ इसके स्ट्रक्चर पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा चार चार जो है पोलन जहाँ पे पोलन बन रहे हैं चार चार सैक सैक जैसे क्या होता है पाउच जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है पाउच वैसे एक दो तीन चार चार पोलन सैक हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन बन रहे हैं पोलन ग्रेन क्या होते हैं मेल गमेट इन फ्लावर्स चार पोलन सैक हैं और ये चार पोलन सैक का साइंटिफिक नाम क्या है माइक्रो

यहाँ देखो ये यह मैंने आपको एंथर फिलामेंट बना के दिखाया है इसी एंथर को ऐसे काट के देखो 1 2 3 4 इस स्ट्रक्चर का बेटा नाम क्या है 1 2 3 4 इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया क्या नाम है माइक्रो स्पोरेंजिया दूसरा नाम क्या है दोनों नाम याद होने चाहिए और ये छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं बनाते जाओ यहां फिर पोलन सैक कहते हैं इन्हें पोलन सैक में क्या बन रहे हैं पोलन सैक में क्या बन रहे हैं पोलन बोल सकते हो सिर्फ कहीं कहीं पोलन भी कहते हैं या फिर ग्रेन्स बन रहे हैं है, है, है? है यानी क्या मियोसिस हो रहा है भाई डिडक्शन डिविजन तभी तो कह रही हूँ बन रहे हैं ऐसे थोड़ा मजा आ रहा है बन रहे हैं यानी क्या मियोसिस हो रहा है वो कौन कर रहा है मैम कोई एक तो सेल होगा ना उनकी माँ तो कोई होगी जिससे मियोसिस हो रहा है बिल्कुल

टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं तभी तो रिडक्शन डिवीजन होगा अरे जब किसी के पास कोई चीज होगी तभी तो उसको आधा कर पाएंगे यानी दो होगी तभी एक कर पाएंगे सो so, अगर दो सेट्स ऑफ क्रोमोजोम हुए तभी आई कैन डू इट वन आई कैन यानी अंदर जो चल रहा है ठीक है डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल नाउ इनिशियली ईच माइक्रोस्पोर इज यूनी न्यूक्लियट क्या बोला गया है अच्छे से सुनिएगा इनिशियली शुरुआत में हर माइक्रोस्पोर कैसा होता है अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा क्या सुनोगे ध्यान से कुछ कुछ टर्म्स हैं एक अभी मैंने कहा वर्ड माइक्रोस्पोरजिया ये अपनी वर्ड डिक्शनरी बना लिया करो चैप्टर के हिसाब से कि यार ये ये वर्ड हमने देखे हैं ये ये वर्ड आने हैं माइक्रोस्पोरजिया तो सिंपली थे पोलन सैक ठीक है इनमें पोलन ग्रेन बन रहे हैं एक ये हो गए दूसरे कौन से थे अभी मैंने बताया माइक्रोस्पोर मदर सेल इसकी मदर सेल किसकी पोलन की माइक्रोस्पोर मदर सेल पोल मदर ऐसा नहीं लग रहा पोलन किसी का नाम है कोई लड़का है पोलन और उसकी माँ अब देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन की माँ है तो बेटा माइक्रोस्पोर क्या हुआ पोलन ही तो हुआ पोलन या फिर पोलन ग्रेन आई होप इट्स वेरी क्लियर माइक्रोस्पोर पोलन का दूसरा नाम बोलो दो तीन नाम रखते ही हैं पोलन बोलो पोलन ग्रेन बोलो या फिर माइक्रोस्पोर बोलो ये माइक्रोस्पोर है तो ये क्या होगी माइक्रोस्पोर की मदर सेल अब माइक्रोस्पोर की मदर सेल हमें पता है डिप्लॉइड होगी और माइक्रोस्पोर यानी पोलन जब इसमें इतनी मेहनत की है तो ये है आई होप से आपको क्लियर है सेट्स ऑफ क्रोमोजोम की बात है नाउ कम ओवर इज दिस पैराग्राफ आई क्लियर इट आउट इनिशियली शुरुआत में क्या होता है ईच माइक्रोस्पोर सो ओवर हेयर दे आर रेफरिंग टू पोलन है ना इच माइक्रोस्पोर यानी पोलन की बात है ईच माइक्रोस्पोर इज यूनी न्यूक्लिएट एक ही न्यूक्लियस होता है बट कुछ ही टाइम बाद न्यूक्लिएट द टू मेल न्यूक्लिया अलॉन्ग विदिलइटोप्लाजम डिफ्रेंशिएट इन टू गेमेट्स क्या समझ रहे हो अरे हो सकती है ये कंडीशन की नहीं सिंपली एक सेल है उसमें क्या हुआ शुरुआत शुरुआत में, शुरुआत में एक ही न्यूक्लियस था वी आर अबाउट न्यूक्लियस कर दिया यहाँ ये एक सेल सेल है, है। मान लो, एक एक पोलन का है। शुरुआत में न्यूक्लियस था लेकिन कुछ टाइम बाद जो है सून इट में बिकम टू टू, टू थ्री न्यूक्लियट दो मान के चलो आप है ना दो हो गए दो न्यूक्लियस आ गए इसमें और ये दो न्यूक्लियस थोड़ा सा ही साइटोप्लाजम था ये बन गए दो मेल गैमेट्स में किस में बन गए बेटा दो सेपरेट मेल गेमेट में आई होप ग्रेन क्या समझे क्या बोला ग्रेन का मतलब समझते हो दाना यानी एक पोलन के दाने से दो मेल गेमेट निकल के आ रहे हैं कितना धीरे धीरे बोल रही हूं मैं यही बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्या होता है चीजों को रटने जाते हो ना तो प्रॉब्लम आ जाती है अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट एक पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का एक दाना उसमें क्या मिलेंगे आपको दो मेल गेमेट. अरे बाय वन वन गेट वन फ्री का ऑफर है वैसे तो एक ही चाहिए था पर दूसरा भी आ गया फ्री में तो एक पोलन ग्रेन में कितने मिलेंगे आपको दो मेल गेमेट आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर इस लाइन को फिर से देखना अच्छे से इनिशियली माइक्रोस्पोर इज यूनि न्यूक्ट बट सून इट बिकम्स टू टू थ्री न्यूक्लिएट the two male nuclei along with a little cytoplasm differentiate into two gametes thus each pollen grain produces two male gametes when germinates to produce pollen tube ab pollen tube kahan se aaya to ye batati hu main iski kahani kya hai uske liye pollen tube ko badhne ke liye aap pehle samjho structure अभी हम क्या कर रहे हैं Structures को समझ रहे हैं उसके बाद fertilization फर्टिलाइजेशन चलाएंगे कि भाई कैसे जो है पोलन आया है फीमेल के पास और कैसे ट्यूब बन रहा है ठीक तो सबसे

यूजली जब मैंने भी पीछे फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने क्या किया था मैंने एक ही बेटा कार्पल बनाई थी और मेल स्टेमेंट्स तो बहुत सारे बनाए थे कार्पल एक ही तो एक ही कार्पल जिस फ्लावर में प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं मोनो कार्पली मोनो वर्ड का ही मतलब होता है वन ठीक है मोनो कार्पली यूजअली ऐसी कंडीशन होती है जनरली क्या होता है द फ्लावर्स हैव मोर देन वन कार्पल्स इधर फ्री और फ्यूज्ड फ्री या फ्यूज क्या होते हैं बहुत सारे होते हैं या तो वो एक साथ जुड़े होंगे या अलग होंगे अच्छा अब मैंने वो स्ट्रक्चर क्यों बनाया बोलो मैम मोस्टली तो आपने कहा कि जो है कार्पल बहुत सारे होंगे आपने एक बनाया बिकॉज अभी जब हम स्टडी कर रहे हैं ना सो इट्स इजियर टू स्टडी इन वन स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर में पढ़ लोगे ना फर्टिलाइजेशन तो आसान होगी कहानी समझना ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड दिस ठीक जनरली फ्लावर्स में ज्यादा कार्पल्स होते हैं फ्री होते हैं फ्री यानी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं या फिर fused होते हैं ठीक है चलिए द स्टिग्मा अब अब देखो अब आओ आप बिल्कुल आपका ध्यान होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे नाउ वेन वी ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर तो यहाँ पे एक टर्मिनल पार्ट आपको दिख रहा है स्टिग्मा स्टिग्मा का वर्ड ही जैसा ना स्टिग्मा वर्ड इससे एक वर्ड और निकल के आता है स्टिकी स्टिकी समझते हो चिप चिपा स्टिकी यानी कुछ चिपचिपा हो तो उससे सब चीज चिपक जाती है कि नहीं तो वैसे ही स्टिग्मा को नेचर ने क्यों स्टिकी बनाया है इसका रीजन है क्योंकि स्टिग्मा जो है यही वो पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फीमेल के जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन अब वो जो पीछे हमने देखे थे मेल पोलन ग्रेन वो जब आते हैं अलग अलग मीडियम से यानी हवा से आए इंसेक्ट से आए पानी से आए किसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर तो इसी स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं अब देखो इनमें आंखें तो नहीं होती पोलन ग्रेन में ढूंढते हुए जा रहे हैं सो so, जैसे ही ये आए तो स्टिग्मा इतना स्टिकी होता है कि इस पर ये चिपक जाते हैं ठीक है नाव द स्टिग्मा रिसीव पोलिन ग्रोथ तो यहीं पे जो है पोलन ट्यूब जो है बनना चालू होती है और कहाँ बनती है स्टाइल पे स्टाइल पे कौन लगा रहता है स्टिग्मा द स्टाइल बियर स्टिग्मा इन अ सूटेबल पोजिशन टू रिसीव पोलन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब अब देखो ध्यान से थोड़ी बहुत कहानी बताती हूँ जैसे मान लो ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा पे एक पोलन आया अब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस चली मतलब बातचीत होती है ना अच्छा आप हमारे ही मेहमान हैं ओके ओके आप अंदर आ सकते हैं अंदर आ सकते हैं यानी अंदर कैसे आएगा बेटा इतना लंबा स्टाइल है जाएगा कैसे तो ये जो है अपना खुद का पाथ बना लेता है इसके खुद के पाथ को कहते हैं पोलन ट्यूब ये पूरा ट्यूब जनरेट हो जाता है और ये ट्यूब जाता है सीधा ओवरी से ओव्यूल के अंदर कौन सा ट्यूब पोलन ट्यूब अब ओवरी क्या है ओवरी इज द दोलन एंड होलो बेसल पार्ट दैट दैटेन्स्यूल ओवरी के ही अंदर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं ओव्यूल और ओव्यूल के ही बनता है अंदर हमारा फीमेल दैट इज एग ओके स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल आई डोंट नो वाई पीपल फाइंड टॉपिक्स बोलते हैं मैम बहुत डिफिकल्ट है नहीं कॉम्प्लेक्स है बट ऐसा है कि उसको अगर आप ढंग से स्टडी करोगे तो कहानी आसान है यानी पहले हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया हमने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर देख ली

फ्लावर कब होगा फ्यूजन अरे बेटा फ्यूजन होगा कब जब पोलिन ग्रेन जो है आएगा ओवम के पास यानी जो हमारा एग है उसके पास तभी हो पाएगा फ्यूजन फ्यूजन यानी क्या मेल और फीमेल गेमेट का मिलना और मेल एंड फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनेगा क्या मेल एंड फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनेगा क्या जायगोट आई होप इट्स वेरी क्लियर मेल एंड फीमेल के फ्यूजन से बनेगा क्या जायगोट क्लियर है चलिए

मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पोलन ग्रेन्स बन गए यानी प्रोसेस हो गया अब ये जाएंगे कैसे इनके जो है पैर तो नहीं होते हैं बढ़िया पोलन ग्रेन्स जो हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है अब इनका ट्रांसफर होगा कैसे उसके लिए कुछ एजेंट होते हैं अरे एजेंट वर्ड सुना है एजेंट विनोद वाले एजेंट नहीं अरे कोई काम कराना होता है ना हमें जैसे खुद तो जाके काम करते नहीं हैं जो बहुत सारे गवर्नमेंट के वर्क होते हैं तो एजेंट्स रख देते हैं कि यार ये वाला एजेंट लाइसेंस बनवा देगा ये एजेंट वो करेगा तो वैसे ही प्लांट्स में भी एजेंट्स होते हैं कौन से एजेंट्स पोलिनेशन कराने के लिए अब बेचारा पोलन ग्रेन खुद तो जा नहीं पाएगा तो ये किसका सहारा लेते हैं एजेंट जैसे एयर हो गया या ये जो इंसेक्ट हैं बहुत ही चला गया ये जो है ना अपनी पेटल्स को बहुत ही सुंदर रखते हैं फ्लावर की कि ये जो है इंसेक्ट आए बढ़िया हम पे बैठे एंड देन यहाँ से पोलन लेके जो है चला जाए

ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ठीक है फ्रॉम एंथर ये याद रखना बेटा पोलन ग्रेन्स अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं मान लो क्वेश्चन दिया है सुनना ध्यान से क्वेश्चन दिया है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द स्टेम टू द द एंथर ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन अरे हाँ यही तो पड़ा था टिक क्या बोला मैंने सुना वीडियो को जरा पीछे करके देखना है ना रिमाइंड करके देखना मैंने कह दिया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम कार्पल ऑफ द स्टेमेंट

तभी तो यही तो एक जरिया है जिससे मेल एंड फीमेल जो प्लांट्स के हैं वो मिल सकते हैं एंड वो अपनी नई प्रोजेनि बना सकते हैं ठीक है वेरियस एजेंसीज अलग अलग एजेंट्स होते हैं एयर हो गई वाटर हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हो गए जैसे ये बीज होती हैं बटरफ्लाई होती हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट जो हैं इसमें मदद करते हैं इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस दैट फैसिलिटेट सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्ट मेल गेमेज फ्रॉम ड्राइंग आउट अब अच्छे से सुनना पोलन पीछे जब मैं पढ़ाती हूँ ना शुरुआत में तो मैं कॉमन वर्ड्स बताती हूँ अब जब आपके दिमाग में रट चुका है पोलन ग्रेन पोलन ये सब है अब कहानी सुनो पोलन ग्रेन ग्रेन यानी बेटा दाना होता है पीछे ही बताया था उस दाने के अंदर आपको मिल रहे हैं दो मेल गैमेट एक मेल गैमेट दूसरा मेल गैमेट ठीक है तो पोलन ग्रेन यानी बोलो ये दोनों इसके अंदर क्यों हैं बिकॉज़ ये इनको प्रोटेक्ट कर रहा है कैसे प्रोटेक्ट सो वॉट हैपन्स इज पोलन जो है ना मेल गेमेट अब इसको भी तो बेटा न्यूट्रिशन चाहिए ये नहीं तो थोड़ी देर में ड्राई आउट हो जाएगा सेल है भाई है तो जो भी है है तो सेल ही तो ये सेल ड्राई नहीं हो जाए इसीलिए पोलन ग्रेन इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कवरिंग करके रखते हैं अब कॉमन एजेंट्स पे आओ द कॉमन एजेंट्स द कॉमन एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल पॉलिनेशन क्या क्या है विंड वाटर इंसेक्ट्स बर्ड्स बैट्स एंड मेनी अदर लिविंग बींग्स ये क्या दिया गया है जैसे पोलन ग्रेन में कह रही हूँ ना ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन्स के बहुत ही जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये तो यानी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये इस टाइप के दिखेंगे अलग अलग इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑफ पोलन ग्रेन्स कैन नाउ लेट्स कम टू टाइप्स आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो कोई प्रोसेस पढ़ी है टाइप्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता पॉलिनेशन भी होती है दो टाइप की अब ये दो टाइप आप समझ जाओगे क्या होते हैं एक है सेल्फ पॉलिनेशन एक है क्रॉस पॉलिनेशन द वर्ड इट सेल्फ सेल्फ यानी अपने ही अंदर सेल्फ क्या होता है खुद को कहता है ना सेल्फ तो सेल्फ यानी क्या यहां देखो वो प्लांट जिसके अंदर ही यानी बाईसेक्सुअल प्लांट है उसी प्लांट का मेल गेमेट अच्छे से सुनिएगा उसी प्लांट या उसी फ्लावर का मेल गेमेट उसी फ्लावर के फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज करे उसी फ्लावर का यानी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था ये फ्लावर है ठीक है अब यहां से आ रहा है पोलन पोलन ग्रेन और ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आया है और यहाँ से ये जो है पोलन ट्यूब निकाल के फ्यूजन हुआ है इस टाइप के पोलिनेशन को क्या कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन यानी अपने ही प्लांट में पोलिनेशन कर लिया अब दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस का मतलब ही समझ गया बिल्कुल समझदार हो आप तो एक फ्लार का मेल गैमेट दूसरे फ्लार के फीमेल गैमेट से फ्यूज करें तो ये देख रहे हो ये कैसे हो रहा है दो अलग देखो दो फ्लार हैं ये आया यहाँ पे बढ़िया सा इंसेक्ट इस फ्लावर पे बैठा और दूसरे फ्लावर पे जो है इसने पोलन छोड़ दिए इस फ्लावर से देखो इसने पोलन लिए और दूसरे फ्लावर पे उसके स्टिग्मा पे छोड़ दिए देखो यहाँ से एंथर से लिए और यहाँ पे स्टिग्मा पे छोड़ दिए यानी दो अलग अलग फ्लावर्स हो गए तो इसे हम क्या कहेंगे क्रॉस पॉली आई होप इट्स वेरी क्लियर चलिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आप लोगों के लिए हैं स्क्रीनशॉट ले लो एंड इनको जरा हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस Pollination. Point number one, it is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. And over here, it is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower. Over here, point number two, it does not require an external agency for the transfer of pollen grains. Yani, Self pollination may usually. एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है भैया क्योंकि वो अपने ही फ्लावर में है वो अपने ही फ्लावर में है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एजेंसी फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रीन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनादर एक से दूसरे फ्लावर में कैसे जाएगा तो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत पड़ती है पॉइंट नंबर थ्री सच बायसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ पोलन ग्रीन अब ये बात ध्यान से सुनना बायसेक् तो समझ गए ये प्रोड्यूस करते हैं कम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स कोई बता सकता है इसका रीजन क्या होगा कि ये बाई फ्लावर्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं ये स्मॉल नंबर पोलन क्यों बनाएंगे तो इसकी वजह मैं आपको बताती हूं। होता क्या है देखो जब भी आप ह्यूमंस में लो या प्लांट्स में लो मेल के गेट ज्यादा रिलीज होते हैं पता है क्यों क्योंकि बहुत सारे जैसे स्पर्म्स भी देखे होंगे कुछ कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे कितने सारे स्पर्म्स एक साथ आते हैं क्यों और एग एक ही होता है क्योंकि पॉसिबिलिटी देखो जिसको चल के जाना है उनको जाना है स्पर्म्स को स्विम करते हुए और इधर पोलन ग्रेन्स को आना है तो ये ज्यादा नंबर में होते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो फर्टिलाइजेशन की है कि नहीं ना इज सेल्फ पॉलिनेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है भैया फूल अपना ही है होता है ना कि अपना घर हो तो कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा काम जब मेहमान आता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं लेकिन अपना ही घर हो तो रोज खाना खाने में इतनी जो है परेशानी नहीं होती खाना बनाने में ओवर हेयर वैसे ही बात है अपना ही है सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर तो प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा कि हाँ यार इसी से फ्यूज करेगा सो देर इज नो नीड टू जनरेट अ लॉट ऑफ पोलन ग्रीन एंड ओवर हेयर क्रॉस पोलिनेशन में सच फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलिन ग्रीन क्यों बेटा एक फ्लार से दूसरे फ्लार में लेके जाना है तो अब उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है कि भाई बीच में आधे पोलिन ग्रीन जो है गिर जाएंगे हवा में बह जाएंगे या पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ तक तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना कि नहीं हो पाएगा इसीलिए ज़्यादा पोलन नंबर निकालो किसी न किसी का तो पोलन ग्रीन निकालो किसी न किसी का नंबर तो जाके लगेगा इज इन डिट

ये तो फ्लार है एक स्ट्रक्चर लेते हैं अपन इधर आओ ये मैं समझाती हूँ क्या कहानी थी जैसे यहाँ पे है ना कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी बिल्कुल भी हंसते नहीं कोई है ना कि मैं ये ऐसे ही बचपन वाले फ्लावर बनाते हैं हम ठीक है चलो क्योंकि सबसे आसान तरीका है ऐसे ही समझाना अब देखना क्या होता है अगर पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के इसी फ्लावर से फ्यूज करें तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन इतना तो बोलो मैम समझ गए अब देखो फ्लावर बेटा ऐसे मतलब कहीं हवा में तो नहीं होते है। हैं है। तो किसी प्लांट में लगे होते हैं इतना तो समझते हो किसी प्लांट में लगे होते हैं तो अब ये जो है यहां से पोलन आया ध्यान से देखना ये एक ही प्लांट है यहाँ से पोलन आया और यहाँ से पोलन गया दूसरे फ्लावर में लेकिन ये फ्लावर देख लो एक मिनट ये फ्लावर सेम प्लांट का है ये फ्लावर है तो सेम ही प्लांट का ना मतलब जैसे आपके कजिन वगैरह होते हैं हो तो सब एक ही फैमिली के है ना एक तो ये हो गए आपके सिबलिंग्स रियल भाई बहन जैसे कहते हैं और एक हो गए कजिन सर नेम तो आप सब सेम ही लगाते हो ना एक ही फैमिली के हो तो वैसे ही यहाँ पे एक ही फ्लॉर में करो तो भी सेल्फ पॉलिनेशन और सेम प्लांट के फ्लॉर में करो देन टू इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि यार अब एक बात बताओ अगर जो है कोई भी आप बोल लो कि सनफ्लावर है या कोई भी ऐसा पेड़ है अब उसके जो फ्लावर्स होंगे बाकी सारे फ्लावर्स होंगे तो सेम ही ना एक गुलाब है तो दूसरा भी गुलाब होगा है कि नहीं तो यानी सेम फ्लावर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट भी सेल्फ पॉलिनेशन है और सेम फ्लार तो है ही आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनादर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज ठीक है तो अब सेम स्पीशीज मैंने कह दिया तो यहां एक बार देख लो पॉलिनेशन में ये कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है अब अगर ये फ्लावर दूसरे प्लांट पे है तो क्रॉस पॉलिनेशन सेम प्लांट पे है तो सेल्फ पॉलिनेशन देख लो यहाँ पे एंथर्स से ये पोलन ग्रेन्स ये निकले यहां पे कौन लेके जा रहा है एजेंट इस एजेंट को हम और क्या कह सकते हैं पॉलिनेटर यानी वो जो पॉलिन ग्रेन्स को पॉलिनेशन करवाने में मदद करे दोज आर नोन एज एजेंट्स कह लो या फिर पॉलिनेटर्स ये पोलन गए ये देखो ये यह यहाँ पे आए स्टिग्मा पे और ये जो है यहाँ से पोलन ट्यूब बना के चले जाएंगे कहाँ तक ओवरी तक आई होप दिस पॉइंट इज एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन अब जब दोनों प्रोसेस को समझ गए हो तो देख लेते हैं कौन से कौन से एजेंट अब जैसे एजेंट हम देखते हैं ना कहीं ना कहीं लाइसेंस uh, बनवाना होता है कुछ करवाना होता है तो एजेंट्स आते हैं कि मैम हम करवा देते हैं तो वैसे ही यहाँ पोलिनेशन में भी कुछ एजेंट्स आते हैं कहते हैं आपसे नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं हम है ना हम करवा देंगे तो अब इस एजेंट्स में भी देखो कितनी वाइड वेराइटी है और इसको समझने के लिए सबसे ईजी एग्जाम्पल होता है फ्लो चार्ट के थ्रू

अब इसमें इमेजिन करो तो कितने सारे टाइप्स आएंगे आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगी बर्ड्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर एनिमल्स भी हैं जैसे बैट्स हैं स्नेल्स हैं ये हो सकते हैं तो ये आएंगे अंडर बायोटिक एंड ऑन दी अदर हैंड ए बायोटिक इज वेरी क्लियर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब नॉन लिविंग में भी कैसे तो ए बायोटिक फैक्टर्स हमें पता है जैसे विंड है वाटर है ये सब भी यूज में आ सकते हैं ओवर हेयर वॉट इज इम्पोर्टेंट इज ईच टाइप में ना एक नाम दिया गया है बायोलॉजी में नाम देते हैं हम हर चीज को जैसे तो वैसे ही यहाँ पे फॉर इंस्टेंस आप देख पा रहे हो लेट्स गो थ्रू बायोटिक फर्स्ट पहले बायोटिक को देखो पहले नाम देखो चार आपको दिख रहे हैं बायोटिक के नीचे पहले ब्रैकेट पढ़ना है ना बाय इंसेक्ट्स बाय बर्ड्स बाय बैट्स एंड बाय स्नेल्स यानी इनमें जो है ये नाम क्यों दिए गए बोलो मैम वैसे तो बहुत वेरायटी है वेरायटी तो है लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है बिकॉज कॉमनली जो है पोलिनेशन में मदद करते हैं तो इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हुआ ध्यान से सुनना जैसे बीज वगैरह होती है मधुमक्खियां वगैरह इनके थ्रू अगर पॉलीनेशन हुआ तो उसका नाम होगा एंटोमोफिली क्या बोलते हैं एंटोमोफिली ठीक है किसके थ्रू इंसेक्ट के थ्रू अब इसको मैं कैसे याद दिलवाती हूं कुछ लोगों को याद नहीं रह पाते हैं ये नाम बोले हम सब तो एक जैसे दिख रहे हैं तो इंसेक्ट है इंसेक्ट में जैसे आप अभी के लिए कंसिडर करो एंट है ना एंट एलिया ए एन एंट होती है या ई एन एंट अभी के लिए समझ जाओ ना बोलो मैम ये तो गलत हो गया नहीं याद करने के लिए सब चलता है ठीक है ऐसे एक्रोनिम्स या अपने हिसाब से चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हो आप समझ जाओ कि ये एंट है इंसेक्ट में आता है तो एंटोमोफिली दिस विल बी अ वे टू लर्न इट अब बर्ड्स की बात करो बर्ड्स में क्या आएगा और अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हुआ तो ऑर बैट्स के थ्रू क्रिकेट वाला बैट नहीं है ना बिल्कुल मैच के वहाँ नहीं जाओ इधर पीछे आओ बैट्स यानी कौन से चमगादड़ जिन्हें कहते हैं चिरोप मजेदार नाम है बड़ा क्या है बैट्स के थ्रू वाले का चिरोप ओके okay, ये बैट्स के थ्रू होगा चमगादड़ कैसे याद रखना है जिनको हिंदी आती है उनको लिए थोड़ा आसान है बैट्स को हिंदी में बेटा क्या कहते हैं चमगादड़ तो चमगादड़ के च से याद रखो रख रक लो चिरोप टेरो एंड लास्ट बट नॉट द लीज जो स्नेल्स होते हैं स्नेल्स के थ्रू भी होता है एंड दिस टाइप इज नोन एज मेलेको फिली स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन हुआ तो उसका नाम क्या है मेलेको फिली चार नाम भी बताए याद करने का तरीका भी बताया है

नाउ दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कुछ लोगों को सुना होगा एक नाम एलर्जी हो जाती है है ना डस्ट एलर्जी होती है उस डस्ट एलर्जी में भी अगर टेस्ट करवाते हैं ना हुई है किसी को डस्ट एलर्जी मुझे भी हुई थी पता एक टाइम पे जब जो है मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह हो जाता है ना तो आपको डस्ट आने लगता है तो डस्ट से एलर्जी यानी छीके आने लगती है जैसी डस्ट आई उसमें भी टेस्ट होते हैं कि भाई कौन से पर्टिकुलर डस्ट से आपको एलर्जी है तो एक एलर्जी का नाम सुना होगा पोलन एलर्जी ये पोलन कौन था अरे यही पोलन है क्योंकि फ्लावर्स जो है ना ये फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के लिए इतने सारे रिलीज करते हैं पोलन कि आके नाक में चले जाते हैं और कुछ कुछ लोगों को एलर्जी करते हैं तो बाय विंड मतलब समझो इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा पोलिनेशन होता है नाम याद रखना है अनिमोफिली पोलिन एलर्जी से भी आप रिलेट कर सकते हो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाय वाटर यानी वाटर के थ्रू अगर होगा पॉलीनेशन तो उसका नाम सबसे आसान है सबसे आसान है वाटर वैसे ही हम हाइड्रो हाइड्रो करते हैं हर चीज़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट तो ये क्या है हाइड्रोफिली इफ पॉलीनेशन टेक्स प्लेस थ्रू वाटर इट इज नोन एज हाइड्रोफिली अब पानी का कॉमनली आप प्लांट्स में ये लेके चलो बिकॉज एक्वेटिक प्लांट्स भाई कैसे करेंगे तो देर आर एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के थ्रू है अपने पोलिन भेज देते हैं सिगमा के पास कि भाई जाओ और जो है फर्टिलाइज हो जाओ क्लियर है तो ये थे हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बायोटिक और ए दोनों मिलाए हैं बायोटिक में कितने देखे हैं चार देखे हैं इंसेक्स बर्ड्स बैट्स एंड स्नेल्स नाम क्यों लिखे हैं ऐसे देखने के लिए नहीं लिखे हैं उनको याद भी करना है एंड नॉन लिविंग में क्या है विंड का नाम थोड़ा, अलग है, विंड का नाम थोड़ा अलग है, तो याद कर लेना दैट इज बेसिकली हाइड्रोफिली क्लियर है ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी विद वन ओ मोर चेंस लोक्यूल एंड ओवियल बियरिंग पैरक्लाइमेटिस प्लेसेंटा अब

Humans में जो मदर याद करा था प्लासेंटा जो बेबी होता है ह्यूमन बेबी उसको न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है पहुंचता है प्लासेंटा के थ्रू तो सिमिलरली जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है प्लासेंटा प्लूरल में प्लासेंटे ई e लग जाता है यहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे ओव्यूल ओव्यूल बेरिंग पैरनकाइमेटस क्वेश्चन जिन्हें हम क्या कहते हैं पैसेंटा अच्छा ये वर्ड आया तो सवाल आया पैरनकाइमेटस फॉर दिस यू नीड टू रिमेंबर क्लास नाइन क्लास नाइन में जरा याद कीजिए में हमने देखा था पैर इफ यूर पैर याद है पैरन किस -किस को याद है बताओ सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आते हैं पैरन का पैरन से ही आए हैं पैरन कामा सेल से ही आए हैं पैरन यानी पैरन कायमा का अगर फंक्शन याद करो तो इनका मेन फंक्शन बेटा होता है स्टोरेज क्या होता है स्टोरेज स्टोरेज यानी स्टोर करके रखना नाउ इट डिपेंड्स फूड वाटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटीरियल स्टोर करके रख सकते हैं तो मतलब समझे कि नहीं प्लेसेंटा ह्यूमंस में भी जो है बेबी को न्यूट्रिशन देता है एंड ओवर हेयर इन प्लांट्स क्योंकि पैरेंट कायमा से बने हैं ये तो स्टोरेज का, का काम करते हैं फूड स्टोर करके रखते हैं जिससे जो है अंदर न्यूट्रिशन मिलता रहे ओके चलिए एंड ओवरी मे हैव वन एग्जाम्पल व्हीट पैडी मैंगो टू सेवरल ओव्यूल्स एग्जाम्पल पपाया वाटरमिलन ऑर्किड्स क्या बात बोली है अब देखो बोले कि मैम ये पता कैसे चलेगा ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन अभी सिर्फ इतनी बात याद रखो तो इस पॉइंट को है ना समझ पाओगे ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद यानी मेल और फीमेल गेमिट फ्यूज हुआ उसके बाद ओव्यूल क्या करेगा मतलब फ्यूजन तो हो गया बोला हम क्या करें यार हम भी कुछ कर लेते हैं तो ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन बदलता है सीड में वही बीज मैंगो खाते हो जो बीज आता है वाटरमेलन खाते हो बीज आता है वही बीज सीड वो पहले क्या था बेटा ओव्यूल था बाद में क्या बन गया सीड किसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद तो अब देखो अब यहाँ क्या दिया है ओवरी में या तो एक ओव्यूल हो सकता है एक ओव्यूल यानी क्या एक सीड तो जितने भी आप खाते हो फ्रूट्स एक सीड वाले याद कर लो वीट है पैडी है मैंगो है मैंगो में एक ही आम की जो बोलते हैं ना गुटली आती है तो एक ही सीड होता है या फिर बहुत सारे ओव्यूल्स जैसे पपाया वाटर मिलन कितने सारे सीड्स होते हैं इन सब में आई होप इट्स वेरी क्लियर ठीक है तो कुछ भी हो सकता है एक ओव्यूल भी हो सकते हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्लियर है, है? यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर में यहाँ आपको लोक्यूल दिया है और ये जो है बाहर बनी हुई है ये देखो ये जो बाहर बनी है ये ओवरी की वॉल है ये जो है अंदर सीड है और यहाँ पे क्या अटैच है प्लासेंटा वही प्लासेंटा जो कि किससे बना है पैरनकाइमा सेल से या टिश्यूज से

बॉडी ऑफ द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ पैरनकाइमेटस टिश्यलस अच्छे से सुनिएगा ये न्यूक्लियस नहीं है ये न्यूसेल है एन यू सी एल यू एस एस न्यूक्लियस क्या होता है एन यू सी एल यू सी एस ये न्यूक्लियस नहीं है ये क्या है न्यूसेलस न्यूसेलस यहाँ पे देखो इधर आ जाओ डाइग्राम पे देखो जरा यहाँ पे ये जो मास ऑफ सेल्स हैं कौन से सेल्स पैरनकाइमेटस यानी पैरनकाइम से बने सेल्स हैं स्टोर्ड जो है मटेरियल रहते हैं इनमें वो होते हैं न्यूसेलस बहुत सारे मास ऑफ सेल्स हैं और इंटीग्यूमेंट्स देखो यहाँ पे आपको लेयर्स दिख रही हैं उन लेयर्स का नाम होता है इंटीग्यूमेंट्स ओके न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय वन यूनिटेगमिक ओव्यूल एग्जाम्पल हायर डाइकोड्स और टू बायटेगमिक ओव्यूल यानी एक ओव्यूल भी हो सकता है ओव्यूल भी हो सकता है जैसे हायर डाइकॉट्स में में या बाय यानी ये जो टेगमिकुमेंट है ना इनकी बात है एक इंटेग्यूमेंट हुआ तो यूनिटेग्मिक ओव्यूल हायर वाले जो डायकोटिन प्लांट्स होते हैं या दो मिल सकते हैं बाय टेगमिक ओव्यूल जैसे मोनोकॉट्स और प्रिमेटिव डायकॉट्स में मल्टी कवरिंग कॉल्स

Integuments क्या होते हैं इंटीग्यूमेंट्स पूरी जगह कवर रहते हैं ना बोलते हैं ना कवरिंग तो रखते हैं लेकिन एक जगह छोड़ देते हैं जैसे हम भी जब फेस वगैरह ऐसे होते हैं ना गाड़ी वाड़ी पे जाते हैं तो गर्ल्स फेस वगैरह कवर करते हैं लेकिन फेस में हम क्या छोड़ देते हैं बेटा आंखें बिकॉज बोलो आंखें भी कवर कर दी तो गाड़ी कैसे चलाएंगे भाई तो वैसे ही यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स की कवरिंग तो रहती है हर जगह ओ पे लेकिन एक जगह ये छोड़ देते हैं खाली इस खाली जगह को कहते हैं माइक्रोपाई आई होप यू कैन क्लियरली सी द फिगर ये हैं यहाँ पे ओव्यूल है ये ये ओव्यूल है पूरा ये एम्ब्रियो सैक है अब यहाँ ये इंटीग्यूमेंट की कवरिंग है और यहाँ जो जगह छूटी हुई है वेयर देर इज नो कवरिंग ऑफ इंटीग्यूमेंट इट इज माइक्रोपाइल और हमेशा याद रखना माइक्रोपाइल का ऑपोजिट एंड यानी यहाँ माइक्रोपाइल है ऑपोजिट एंड पे कौन है चैलेजा कौन है चैलेजा कहते हैं या चलेजा कहते हैं ओके okay? तो प्लेस ऑफ ऑरिजन ऑफ यूजुअली लाइज एट द ऑपोजिट एंड एक जगह माइक्रोपाइल है यानी जहाँ नैरो पोर है या पैसेज है जो पोर या पैसेज है वो होगा माइक्रोपाइल एंड उसका ऑपोजिट एंड इज चैलिजा ओके okay? आई होप इट्स वेरी क्लियर okay? ओके चलिए अब हम आते हैं अगर दोनों स्ट्रक्चर्स को समझ गए हो बहुत ही क्लियरली तो लेट्स बिगिन विद फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ रिलेटेड पोलिन ग्रेन्स ओवर द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कापल दे एब्सॉर्व वाटर स्वेल एंड देन जर्मिनेट टू प्रोड्यूसन ट्यूब्स तो देखो अगर हम इन शॉर्ट एक बात करें कि ये प्लांट्स में पूरी कहानी चल कैसे रही है तो अगर हम इन प्रोसेस को यू नो सम कर दें तो कैसे कह सकते हैं सबसे पहला प्रोसेस आपने क्या किया जो है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स फॉर्मेशन ऑफ क्या किया बेटा गेमेट्स कौन से कौन से मेल एंड फीमेल गेमेट्स बने ठीक है सिंपली हम जो है इनको डाल दें फॉर्मेशन हो गए अब जो है पोलिन का पोलिन का स्टिग्मा तक जाना एंथर से स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन पॉलिनेशन हुआ बढ़िया पोलिन ट्यूब वगैरह बना उसके बाद क्या होगा जब वो फीमेल गैमेट से मिलेगा पोलिन यानी एग से मिल जाएगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन यानी पहले की दो प्रोसेस तो देख ली थर्ड पे आना है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद जर्मिनेशन यानी सीड जर्मिनेशन देखना मतलब वही है समझ जाओ सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है सीड बन गई है अब वो जर्मिनेट कर रही है तो ये दो प्रोसेस देख ली हैं फर्टिलाइजेशन पे आते हैं हम ठीक है दे एबजर्व वाटर स्वेल एंड देन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब्स मेनी पोलन ट्यूब्स ग्रो इन टू द स्टिग्मा बट ओनली वन पास थ्रू द स्टाइल एंड देन मूव द ओवरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या होता है पोलन ग्रीनस वैसे ही बहुत सारे नंबर में आते हैं तो बेटा ऐसा तो नहीं है कि एक सिग्मा पे सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन जाएगा हजारों पोलन ग्रेन हंड्रेड्स ऑफ पोलन ग्रेन मान लो गिर गए अब क्या है पोलन ट्यूब कोशिश तो सब करेंगे मतलब आ, होता है ना कि जैसे हमें कहीं जाना है है ना किसी कहीं पे एंटर करना है किसी जगह पे किसी से मिलने जाना है तो वहाँ पे गार्ड है तो उसको हमें बताना पड़ता है कि यार हम जो है पहचान है हमने अपॉइंटमेंट लिया बताता है ऐसा बताते हैं ना कि क्या आपका अपॉइंटमेंट है तो आप ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते हो तो यहाँ पे पोलेंस में भी सिमिलर स्टोरी है जैसे पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन आए बढ़िया स्टिग्मा पे बैठ गए अब पंद्रह बीस मान लो हैं अभी के लिए पंद्रह बीस मान लो वो पंद्रह बीस कहते हैं अरे हम जानते हैं हम जानते हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तो वो जो बैठा रहेगा रिसेप्शन पे कहेगा अपॉइंटमेंट दिखाओ बाकी सब अपॉइंटमेंट नहीं दिखा पाए और कैसे एक ने जिसने दिखाया कि भाई मैंने तो सच में अपॉइंटमेंट लिया है तो उसको जाने को मिलेगा अंदर तो वैसे ही जो एग्जैक्ट राइट पोलिन होगा केमिकल वहां पर रिएक्शन यहां अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा केमिकल रिएक्शन होंगी और उसी के थ्रू जो है करेक्ट पोलिन क्या जनरेट करेगा देखो बहुत ही क्लियरली इस वीडियो में दिख रहा है ग्रेन आया और ये सेल है उसका और ये देखो ट्यूब का सेल है इस ट्यूब के सेल ने जो है जनरेट कर दिया पोलिन ट्यूब आई होप इट्स वेरी क्लियर ओके चलिए मेनी पोलन ट्यूब्स ग्रो इन टू स्टिग्मा बट ओनली वन पास तो टूबरिंग स्विम करके पहुंच सकती है पोलन जो है ना पोलन में जो मेल गेमेट्स है यह कैसे होते हैं बेटा नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल का मतलब समझते हो ये मूव नहीं कर सकते तभी पोलन ट्यूब मदद करता है इनको पहुंचाने में सो टू नॉन मोटाइल मेल आर द ट्यूब ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ थ्रू द आफ्टर रीचिंग द ओवरी पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल याद आया कि नहीं ये ओपनिंग देखी थी कि नहीं ओपनिंग क्यों छोड़ी थी बेटा उसको इंतजार था उसको इंतजार था कि पोलन ट्यूब आएगा मेल गेमेट को लेके तो इसलिए इंटीग्यूमेंट की कवरिंग माइक्रोपाइल पे नहीं होती है

बोलते हैं ना जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी तो वैसे ही हम बोलते हैं जाओ मेल गेमिट्स जी लो अपनी जिंदगी दो मेल गेमिट्स रिलीज कर दी दो मेल गेमिट पता था हमें कहाँ से आए हैं बेटा एक पॉलन ब्रेन में दो मेल गेमिट थे ठीक है नाउ द मेच्योर एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ एन एग अपैरेटस वन हेप्लॉइड एग एंड टू सिनर्जिट्स टू पोलर न्यूक्लियाई एंड थ्री एंटीपोडल सेल्स घबराना नहीं इसको देख के इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ चलो आगे दिखा देती हूँ जो नेम्स बताए हैं मैंने बिल्कुल डरना नहीं मैम एंटीपोडल इनोजिक्स एकदम से आप तो चालू हो गए देखो ये हमने देखा था स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये है भाई स्ट्रक्चर अब देखो इधर आओ कहाँ यहाँ पे ओवरी के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है ओव्यूल ओव्यूल के अंदर क्या है एम्ब्रियोसैक तो ये जो आपको एम्ब्रियोसैक दिख रहा है मैंने कुछ कुछ सेल्स के नाम बोले तो आपको तो ये पता था कि भाई जो मूवी है उसका हीरो कौन था एग सेल था तो ये बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पे एग सेल है विद वन न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस ये एग सेल है बिल्कुल मानती हूँ मैं अब आ जाओ जैसे जैसे होता है कि नहीं मूवी देखने जाते हो तो उसमें हीरो हीरोइन पहले पता रहते हैं फिर आगे और न्यू न्यू कैरेक्टर्स आते हैं सो ओवर है सेम कहानी है भाई क्या है एग तो है ही अब देखो यहाँ पे आपको बीच में ध्यान से देखना यहाँ पे आपको दिखेंगे पोलर न्यूक्लियर क्या नाम है पोलर पोलर न्यूक्लियर एजन आप देख रहे हो सेल तो एक बनाया है लेकिन न्यूक्लियस दो बनाए है. मतलब है हैं मतलब तो बस है याद रख लो ये होता है ना साइड एक्टर वाले इनको बस याद रख लो एंटीपोडल सेल्स देखो बेटा कौन कौन आया एग तो था हीरो में hero हीरोइन कहते हैं बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है अब यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया है दो न्यूक्लियस है और आ आगे एंटीपोडल तो इन्हीं का नाम मैंने पीछे लिया था अब यहाँ यही स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है कि नहीं ओके नाउ इज एग के यहां पे जहां पे यानी कौन आया है पोलन ट्यूब लेके आया है पोलन ट्यूब लेके आया है मेल गेमेट्स को ओपनिंग पे ही दो आपको ऐसे गार्ड्स नहीं होते हैं जैसे दरवाजा खोलने के लिए अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ऐसे दो गार्ड्स रहते हैं दरवाजा खोलने के लिए तो यहाँ भी हमारे फीमेल हमारे तो नहीं मतलब प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में दो सेल्स दिखेंगे आपको सिनर्जेट सबके फंक्शन बताऊंगी पहले देख तो लो कैसे दिखते हैं ये ओके एंटीपोर सेल्स पोलर न्यूक्लियर एग एंड ओपनिंग में कौन दिखे सिनर इज इट क्लियर ओके चलो रीड करते हैं आगे ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन वन मेल गेमेट फ्यूज विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉइडोड यहाँ भी जायगोट बनेगा ह्यूम में भी बन रहा था प्लांट्स में भी द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अब इस प्रोसेस का नाम क्या होता है अच्छे से सुनना फर्टिलाइजेशन तो कहते हैं मेल एंड फीमेल गेमेट मेल गैमेट एंड फीमेल गेमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बिल्कुल कहते हैं मैं मना नहीं करूँगी लेकिन अब बायोलॉजी पढ़ रहे हो नया नाम नहीं दिया तो क्या किया फिर फर्टिलाइजेशन को यहां पे कहा जाता है सिन देखना मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया यानी जो एग बैठा था बेटा वहां पे जो एग था उसके साथ फ्यूज किया दिस इज नोन एज सिमी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सिन कहते हैं फॉर ऑल जनरेटिव फर्टिलाइजेशन द डिप्लॉडोड फाइनली डेवलप्स जो जायोड बनेगा वो एम्ब्रियो में बन जाएगा अब कहानी ध्यान से सुनना अब कहानी में आता है ट्विस्ट देखते हो ना कुछ कुछ सस्पेंस वाली मूवीज एकदम से जो है ब्रेक के बाद कहानी बदल जाती है तो यहां भी बदल गई कैसे जो डिप्लॉयड जायगोड था वो तो बन गया एम्ब्रियो में लेकिन अभी कुछ याद है जब पोलन ट्यूब आया था पोलन ग्रेन था तो वो साथ में दो मेल गेमेट लेके आया था साथ में दो मेल गेमेट लाया था अब एक ने तो फ्यूज कर लिया दूसरा कह रहा है मैं क्या करूं भाई अब मुझे भी साथ में लेके आया है तो कुछ काम दे दे तो उसको भी काम दे दिया क्या काम दिया आगे जो मैंने आपको बताया ये देखे पोलर न्यूक्लिया पे ये जो पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है जो दूसरा मेल गेमेट आता है वो फ्यूज करता है इनके साथ पोलर न्यूक्लिया में याद रखना सेल एक ही है कैरियोकाइनेसिस तो हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ एक ही सेल में दो दो न्यूक्लियस हैं तो तो इसके साथ फ्यूज कर लिया किसने मेल गेमेट ने तो अब जरा इस कहानी को ध्यान से देखना ये यहाँ पे था मेल गेमेट दूसरी कहानी है सिंह तो खत्म फिनिश वो बहुत ईजी था उसको छोड़ दो अभी ये देखो ये मेल गेमेट हेप्लॉइड था लेकिन बेटा पोलर न्यूक्लिया पोलर न्यूक्लिया में तो पोलर न्यूक्लिया में तो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं यानी टू एन होगी इसकी प्लॉयडी इज इट क्लियर और नॉट पोलर न्यूक्लिया में दो दिख रहे हैं तो टू एन प्लॉयडी होगी तो अब देखो जब ये फ्यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा जब ये फ्यूज करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको जिसका नाम है एंडोस्पम जिसका नाम है एंडोस्पम्प एंड सिंपल मैथमेटिक्स बता दो मुझे टू एन प्लस एन कितना होता है एन प्लस एन हो जाएगा थ्री एन विच जो एंडोस्पर्म बना है उसकी ploidy क्या होगी अब एक एक बात बताओ, यहां पे तीन, तीन sets of chromosome involved है, तो तीन तो लिए एक और नाम होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल सो एज ट्रिपल फ्यूजन विच मीन वेन मेल गे विद द पोलर न्यूक्लियाई

प्रोसेस -E okay. को क्या कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो ये वर्ड दिया है याद हो तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इज ऑल राइट नाउ दिस मैकेजम अब क्या हो रहा है बेटा बोलता ना एक तीर दो निशाने तो वैसे ही दो मेल गेमिट आए थे दो दो अलग एक जगह मेल एंड फीमेल गेमिट का फ्यूजन हो रहा है और एक जगह जो है मेल गेमिट एंड जो था हमारा पोलर न्यूक्लियर उसका फ्यूजन हो रहा है

एंटीपोडल्स ठीक है साइड में खड़े हैं एक्सल हैं सिनर्जिड हैं अब यहाँ देखो यहाँ पे जो है यहाँ से रिलीज करे गए पोल्स यहाँ से जब रिलीज करे तो एक जाएगा एग के पास यहाँ पे फ्यूजन क्या उसे कहते हैं सिनगैमी और एक जाएगा इन पोलर न्यूक्लिया के पास पोलर न्यूक्लिया के पास जाके क्या बना दिया पीई एन प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस यहाँ जिसे हम कहते हैं एंडोस्पम ये क्या है थ्री एन इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन इस प्रोसेस को कहते हैं और दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं एक ही साथ इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल समझ गए क्या है और जितने स्ट्रक्चर्स जरूरी थे जिनके बारे में जानना जरूरी था वो हमने देख लिया है आगे आइए अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया अब क्या है ना मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन बन गया इजेशन चेंजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सीड यानी जो फ्रूट आप खाते हो उसमें जो बीज आते हैं वो क्या होते हैं भाई वो पहले ओव्यूल थे अब वो सीड बन चुके हैं अंटेन्स एम्ब्रियो एज वेल एज स्टोर्ड फूड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ़ द सीडलिंग तो आप लोग थोड़ा सोचते सोचते हो कभी कि यार मतलब इतना सा जो है बीज डाल रहे हो इतना बड़ा प्लांट उगा रहे कुछ सोचा है कभी अब नहीं सोचा तो सोच लो यानी इतना सा सीड है और उससे इतना बड़ा प्लांट कैसे आया बिकॉज उस सीड में इतनी केपेबिलिटी है वो सीड था पहले ओव्यूल और अब वो सीड दोनों चीज़ें कंटेन करता है एम्ब्रियो भी कंटेन करता है और स्टोर्ड फूड भी यानी वो एम्ब्रियो जब तक अंदर है तो उसके न्यूट्रिशन के लिए स्टोर्ड फूड भी होना ज़रूरी है अब जो जयगॉट था दाइगॉट अंडर गोज रिपीटेटेड माइटोटिक डिविजन टू फॉर्म द एम्ब्रियो छोटा सा जयगॉट था उससे क्या बना सेल डिविजन होते गए एम्ब्रियो बना और जो एंडोस्पम न्यूक्लियस था डिवेलप्स एंडोस्पम द फूड स्टोरेज टिश्यू ऑफ द सीड यानी सीड जो ऐसे नेचुरल स्टेट में रहता है उसमें एम्ब्रियो है अब कहीं भी एम्ब्रियो होंगे बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो यहाँ भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन है एंडोस्पम बोथ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट यानी वेरी गुड फॉर अ क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सीड किस किस से मिलके बनता है तो एम्ब्रियो एंड एंडोस्पम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म अड का स्ट्रक्चर है यहाँ आपको दिख रहा है ये क्या है ये पूरा एंडोस्पम है एपीकोटाइल हाइपोकोटाइल रेडिकल ट्यूम्यूल ये सब वर्ड देखे हैं वैसे इनको इतना समझना नहीं है बस इतना जान लो प्लूम्यूल और रेडिकल ये वर्ड्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जैसे प्लांट में देखते हो प्लांट जो शूट दिखती है बेटा स्टेम प्लांट की स्टेम जो होती है अब वो बचपन से तो स्टेम नहीं होगी है ना जैसे हम भी बचपन में छोटे होते हैं तो अलग होते हैं मतलब आज आप मेरी बचपन की फोटो देखो तो बोलो ये पलक मैम है कितनी अलग दिख रही हैं तो वैसे ही यहाँ भी यही केस है प्लांट्स में भी जब सीड रहती है तो प्लूम्यूल कहते हैं जो शूट अभी इतनी बड़ी आपको स्टेम दिख रही है वो पहले क्या थी प्लूम्यूल थी छोटा सा स्ट्रक्चर एंड रेडिकल यानी आज जो आपको रूट दिखती है वो पहले क्या थी इनिशिएट हो रही थी तब उसे कहते थे रेडिकल सो so, ये दो वर्ड्स याद करना और कंफ्यूजन हो तो आर से आर याद आर से आर याद रख लो रेडिकल से रूट ओके ओके नाउ अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में ये मैं बता रही हूँ ये लाइन कैसे लिखना ठीक है अभी तो अपन पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद जो है मैं बताती हूँ इसको लिखना कैसे है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को द ओवरी दिन फ्रूट ओवरी वॉल फॉर्म्स द पेरी कार्प यानी फ्रूट की जो वॉल होती है ओव्यूल डिवेलप इन टू द सीड एंड द वॉल ऑफ द ओव्यूल फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव सीड कोड जिसे हम टेस्टा कहते हैं वेरी सिंपल क्या है इस प्रोसेस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में ऐसे याद रखा करूँ आपने जब स्ट्रक्चर देखा था तो क्या देखा था कि ये थी ओवरी इसके अंदर था क्या था बेटा ओव्यूल था ठीक है तो अब ये जो ओवरी है ये जो ओवरी है ये बाहर का स्ट्रक्चर है ओव्यूल अंदर है तो कॉमन सेंस थोड़ी लगा सकते हो मतलब लगाओ क्यों नहीं लगा सकते देखो ना ओव्यूल है ये ओवरी है अब अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट आप खाते हो तो थोड़ा सा बताओ सीड जो है फ्रूट के अंदर ही होता है ना मतलब जब मैंगो वैंगो खत्म किया तब आती है ना वो सीड तो यानी सीड अंदर है मतलब जो अंदर वाला ओव्यूल है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में बदल जाएगा यानी ये सीड है और जो है ओवरी ओवरी किस में बदल जाएगी बाहर जो ओवरी है वो बदल जाएगी बेटा फ्रूट में ठीक है अब दोनों बैठे बैठे बोर हो रहे थे ना कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया अब क्या करना है तो एक बदल गया सीड में एक बदल गई फ्रूट में इज इट क्लियर और ओवरी की जो वॉल थी वो किस में बदल गई फ्रूट की वॉल में फ्रूट की वॉल में जिसका नाम क्या होता है पेरी कुछ कुछ नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं

तो वो कैसी कंडीशन में रहता है डॉर्मेंट कंडीशन में तो इस कंडीशन का मैं एग्जाम्पल देती हूँ जैसे घर में सब्ज़ियाँ होती है ना चने वगैरह की तो आ, मतलब आपने बॉक्स में चने रखे हैं तो वहाँ से प्ला, प्लांट उगाता है क्या बोले नहीं मैम ऐसा तो नहीं होता किसी का हुआ है तो बताना है ना ऐसे ही रखे हुए हैं बॉक्स के अंदर और पूरा ही प्लांट उगाया बट जब आप उसी सीड को लेके जाओगे आपने बढ़िया इन्वायरमेंट दिया आपने सॉइल ली पानी डाला सनलाइट आई तब जाके प्लांट उगता है सो विच मीन्स फेवरेबल कंडीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे सो एम्ब्रियो जब तक ऐसे रखा है डोरमेंट स्टेट में है वो लंबे टाइम तक बट ऑन गेटिंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म स्मॉल सीडलिंग फाइनली ग्रोज अ प्लांट एंड इसी प्रोसेस को जो लास्ट में प्रोसेस मैंने बताई थी द प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन तो ये जो आप यहाँ देख रहे हो छोटे छोटे से सीड्स हैं धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहे हैं किसमें सीडलिंग में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जर्मिनेशन तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एनजीओ आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तब तक क्या करना है तब तक जा सकते हो हमारी वेबसाइट मैगनेट टाइप करोगे तो ऐसा पेज खुला आएगा इट इज़ इंडियाज़ नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन लेफ्ट साइड पर यू कैन एक्सप्लोर द कोर्सेज इंग्लिश हिंदी दोनों में है कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड सब की तैयारियाँ कराते हैं हम के से लेके ट्वेल्व इंग्लिश में आपको देखना है वीडियो तो क्लिक ओवर है यू गाइज आर इन क्लास टेंथ तो आप यहाँ क्लिक करेंगे ओवर हैर यूल फाइंड वंडरफुल वीडियोज बाकी सारे टीचर्स के भी बेहतरीन वीडियो हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एंड बायो के लिए आपको मेरा चेहरा दिखेगा वॉच नाव पे क्लिक करो ऐसा पेज खुल जाएगा सभी सिस्टमेटिकली अरेंज हैं लेक्चर्स के ड्यूरेशन हैं कितने लेक्चर्स हैं वो भी दिए हैं एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन